हेलो क्रिकेट बडीज, मेरा नाम जय, आप देख रहे हैं माय क्रिकेट बडी। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो एक प्रैक्टिस टिप्स को लेके होने वाला है। यानी कि इसमें क्या मज़ेदार बात सबसे पहले बता दूं, इसमें आपको कोई भी कोच की जरूरत नहीं पड़ने वाली। यानी कि ये चीज़ अपने आप, अगर आप घर पे हो या फिर एकेडमी में प्रैक्टिस कर रहे हो तो अपने आप ही ये चीज़ सारी इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो इसमें और एक और चीज़ जो आपको रिजल्ट एक्सपेक्टेड होता है, यानी कि इसका मैं चलो शुरू तो कर दूं लेकिन इसका रिजल्ट मैं कब एक्सपेक्ट कर सकता हूं, तो इसमें 15-30 दिन में आपको इसका रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो आप मैच में जो गलतियां करते हो या फिर नेट सेशंस में जो गलतियाँ करते हो वो सारी चीज़ें इंप्रूव करने का आपके पास बेस्ट टाइम होगा और आपकी जो ग्रोथ की स्पीड है वो भी काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाएगी। तो चलिए फटाफट ये वाला वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ और एक और चीज़ है कि ये चीज़ आप नेट सेशंस के अंदर ज़रूर करते हो लेकिन एक लिमिट तक, यानी कि एक हद तक। तो उसमें आपकी जो ग्रोथ की स्पीड होती है वो हमेशा स्लो रहती है, तो आप फटाफट ग्रो नहीं कर पाओगे। तो यानी कि चलिए सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं और वो क्या चीज़ है जो आप करते हो लेकिन एक लिमिट तक, वो है नेट सेशंस के अंदर बॉलर से बातचीत करने। यानी कि आप बातचीत करते हो तो क्वेश्चंस कुछ ना कुछ पूछते हो, यानी कि अगर गलती से बॉलर ने स्लोअर वन डाल दिया, गलती से नहीं प्लानिंग करके स्लोअर वन डाल दिया ये बोलना सही रहेगा, तो स्लोअर वन डाला तो आप शायद मिस कर गए या फिर आपने रीड कर लिया वो स्लोअर वन था तो फिर आपने स्माइल दी, जो भी हुआ तो आप जरूर पूछते हो कि ये वाला बॉल आउट स्विंग था ये था, तो वो सारी चीज़ें पूछते हो लेकिन शॉर्ट एंडेड क्वेश्चन हाँ या ना, हाँ या ना, ये चीज़ें ना तो सबको पता है और ये सभी इंप्लीमेंट करते हैं अगर आप बैट्समैन की बात करो। लेकिन इसमें ग्रो करने की जो पॉसिबिलिटी होती है बहुत कम होती है, रेयर है कि ये चीज़ पता करने के बाद भी क्या। तो इसमें आप अब क्या कर सकते हो, जो नई चीज़ आपको जो ऐड करनी है वो है, इसमें आपको कोई कोच नहीं चाहिए, आपको बॉलर से बात करनी, यानी कि जब भी आपका सेशन खत्म हो जाए नेट सेशन के बाहर निकल रहे हो तो क्यों वो बॉलर आपको वो प्लानिंग करके बॉल डाल रहा था, क्यों यहाँ पे आपको गेंदबाजी कर रहा था, शॉर्ट पिच क्यों डाल रहा था, स्लो रन क्यों डाल रहा था, हो सकता है कोई भी चीज़ हो वो उससे बातचीत जरूर करो। क्योंकि देखो हो सकता है कि कल आपने 100 रन मारे हो मैच में लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट डे आप जो कर रहे हो, जो हो सकता है कि आपका फुटवर्क स्लो था इसलिए वो ट्राई कर रहा था या फिर आप जज नहीं कर रहे थे, बाहर के बॉल ज़्यादा अटेम्प्ट करने को देख रहे थे इसलिए बॉलर वहाँ पे डाल रहा था, भले आप मानते हो कि नहीं निकल तो मैंने 100 मारे वो बाहर डाल रहा था, इजीली मारने वाले बॉल थे यार, कोई मतलब नहीं था, मार ही देना चाहिए था, तो वो आप समझो। लेकिन आप बॉलर ने जो बोला वो आपने ठीक से नहीं समझा, उसने क्या बोला, उसने बोला आज की आपकी गलती जो आज आपने इम्प्लीमेंट करी, यानी कि जो आप आज इम्प्रूव कर सकते थे वो बातचीत के बाद, क्योंकि कई बार क्लैश भी हो जाएगा, बॉलर कुछ बोल रहा होगा नहीं 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 मैं तो कंट्रोल में था, तो वो चीज़ भी अगर कोई ऐसा कुछ होता है या फिर कोई ऐसा नई चीज़ बॉलर बताता है कि भाई ये फील्ड सेटअप के हिसाब से मैं तेरे को आउट कर सकता हूँ, तो वो चीज़ वो सारी चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो वो उस पर्टिकुलर फेज पे आप कोच पे जाके बातचीत कर सकते हो, कोच से पूछ सकते हो सवाल जवाब, तो वहाँ पे आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। और काफ़ी सारी ऐसी बातें करोगे ना तो एक ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो ताकि बॉलर भी आपके साथ इंटरेक्ट करे और वो बताए कि क्यों वो आपको ये प्लानिंग कर रहा था, क्यों ये, तो आपको भी समझ में आएगा अच्छा मैं इस हिसाब से होता हूँ तो यहाँ से मेरी विकेट लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो चीज़ें मैच में भी इंप्लीमेंट होती है, प्लेयर्स बॉलर्स वही करते हैं आपको आउट करने के लिए। तो ये चीज़ें अगर आप करने लगोगे तो धीरे धीरे 15-30 दिन में आप जो ग्रोथ की स्पीड है डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगी, तो ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये चीज़ इंप्लीमेंट करो सेम बॉलर के लिए कि भाई आप स्लोअर रन डालते हो तो क्या होता है कि उसको पता चल जाता है कि भाई स्लोअर रन आने वाला है, क्यों कोई पर्टिकुलर आपका पैटर्न है कि आप 3 बॉल फास्ट डालते हो फिर 4th बॉल स्लोअर रन कर देते हो, तो ऐसा कोई पैटर्न है या फिर ऐसी कोई चीज़ है जो बैट्समैन समझ जाता है तो वो क्या करने को देखता है, अगर आप यहाँ पे बॉल डालते हो तो वो कहाँ कहाँ पे शॉट मारने को देख रहा है या फिर वहाँ से वो रन निकाल सकता है, तो वो चीज़ भी आप बैट्समैन से पूछ सकते हो अगर आप एक बॉलर हो तो। तो ये चीज़ भी आपको समझनी है कि ये दोनों हिसाब से होने वाला है, यानी कि वन वे नहीं है, ये टू वे है, यानी कि अगर आप बॉलर हो तो भी ये चीज़ काम करेगी, बैट्समैन है तो भी ये चीज़ काम करेगी, तो ये आपको ज़रूर करना है और ये कंसिस्टेंट वे में आप कर सकते हो। तो सिर्फ एक शॉर्ट एंडेड क्वेश्चन मत पूछना, बड़े क्वेश्चन पूछो ओपन एंडेड जाके वो बातचीत हो, तो वो चीज़ आप फिर कोच के पास ले जाके भी सॉल्व कर सकते हो या फिर अपने आपके पास भी आपके पास एक मौका है कि आप सॉल्व कर सकते हो और ये डेली कुछ ना कुछ नया हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझनी है नेट सेशन के अंदर। तो हालांकि ये टिप्स आप इंप्लीमेंट कर सकते हो अगर आप अभी घर पे हो या फिर एकेडमी में जाके प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये चीज़ आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो अगर घर पे हो, आपके पास कोई नहीं है जिनके पास क्रिकेट की नॉलेज हो कि वो बता सके, अगर ऐसा है तो आपका काम बन गया, अगर नहीं है तो खुद का आप वीडियो बना सकते हो, यानी कि मोबाइल फ़ोन कहीं पर टिका लो और वहाँ पर वीडियो शूट कर सकते हो, तो आप खुद भी समझ सकते हो कि यार ये चीज़ हो रही थी, ये ड्रिल के अंदर ये प्रॉब्लम थी, तो ये सारी सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो बस आज का मोटिव यही था, आज का वीडियो यही था कि इंप्लीमेंट करने हो ये सारी चीज़ें नेट सेशन के अंदर। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो नीचे आप कमेंट जरूर करो, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बटन देख रहे हो गुस्सा से कितना लाल हो चुका है, अगर आप ये क्लिक कर दोगे तो इसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा, तो फटाफट क्लिक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव क्रिकेट, लव क्रिकेट।